ये होइस होइस ऑफ का है, यानी कि हम लोड जो है वो ऑफ करेंगे। ये होइस ऑफ का है, देखिए क्रेन के साथ ऑफ हो रहा है। ये लोअर है, होइस डाउन का, जो होइस डाउन हो रहा है लोअर। आगे करके दिखाते हैं इसको, होइस डाउन हो रहा है, स्टॉप। ये क्रेन स्टॉप का सिग्नल है, हम क्रेन जब भी चाहे ये सिग्नल देंगे तो क्रेन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इमरजेंसी स्टॉप, ये इमरजेंसी स्टॉप है। अगर कोई भी ऐसा खतरा दिखता है या कोई ऐसा इमरजेंसी दिखता है तो हम ये सिग्नल यूज करेंगे और काम बंद हो जाएगा, क्रेन बंद हो जाएगा। राइस बूम, ये बूम ऑफ का सिग्नल है। चलिए हम क्रेन पर ले चल के दिखाते हैं, ये देखिए इससे बूम ऑफ होगा, अपना बूम ऑफ हो रहा है। लोअर बूम यानी बूम डाउन का सिग्नल है, ये देखिए क्रेन पर दिखाता हूँ। देखिए एक क्रेन पे बूम, एक बूम डाउन हो रहा है क्रेन का, ये बूम डाउन का है। राइस बूम लोअर लोड, राइस बूम लोअर लोड, ये बूम अप और लोड डाउन का सिग्नल है। देखिए क्रेन पर मैं ले आया आपको, अभी देखिए बूम डाउन, बूम कैसे ऑफ हो रहा है और लोड डाउन हो रहा है। ये बूम ऑफ और लोड डाउन का सिग्नल है। लोअर बूम राइस लोड यानी कि बूम डाउन लोड ऑफ का सिग्नल है। क्रेन पे देखिए ये बूम डाउन हो रहा है और लोड ऑफ हो रहा है। इसको मैं सामने करता हूँ, आप सिग्नल देख लीजिए। देखिए ये बूम डाउन और लोड ऑफ का सिग्नल है। ये स्विंग राइट यानी ये राइट साइड, दाहिने साइड स्विंग का सिग्नल है। स्क्रीन पर देख लीजिए, देखिए ये राइट सिग्नल का स्विंग है और ये क्रेन स्विंग हो रहा है। लेफ्ट स्विंग, ये लेफ्ट स्विंग का सिग्नल है। इसका भी सिग्नल मैं सामने लाता हूँ आप लोग को। देखिए ये लेफ्ट स्विंग का सिग्नल है। होइस स्लोली, लोड स्लो में उठाने का, धीरे धीरे लोड उठाने का। देखिए क्रेन पर देखिए कैसे ब्लॉक जो मेन हुक है वो धीरे धीरे उठ रहा है, ऑफ हो रहा है। लोअर स्लोली यानी स्लो में धीरे धीरे डाउन करने का, देखिए कैसे हुक है धीरे धीरे डाउन हो रहा है। मैं आगे करके दिखाता हूँ, देखिए राइस बूम स्लोली यानी ये धीरे धीरे बूम ऑफ करने का सिग्नल है। एक क्रेन पर देखिए कैसे धीरे धीरे बूम ऑफ हो रहा है, देख सकते हैं। लोअर बूम स्लोली यानी स्लो में धीरे धीरे बूम डाउन करने का सिग्नल है। क्रेन पर देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे बूम डाउन हो रहा है। सामने कर दिया सिग्नल, देख सकते हैं। रिट्रैक्ट बूम यानी क्लोज करने का सिग्नल है, बूम क्लोज करने का सिग्नल है। क्रेन पे देखिए, देखिए कैसे बूम क्लोज हो रहा है। तो ये बूम क्लोज करने का सिग्नल है। एक्सटेंड बूम, ये बूम निकालने का सिग्नल है यानी एक्सटेंड बूम। सिग्नल मैं सामने करता हूँ, आप देखिए सिग्नल कैसा है। ये एक्सटेंड बूम का ये सिग्नल है। यूज एक्सिलरी, यूज एक्सिलरी, ये क्रेन पर देखिए यानी जो ये ऑरेंज कलर का जो मार्क लिया है उसका नाम एक्सिलरी है। और ये सिग्नल देंगे तो ये वाला हुक काम करेगा, मेन हुक। यूज मेन यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का जो एरो दिख रहा है ये मेन हुक है, जिसको यूज मेन बोलते हैं। तो ये सिग्नल देंगे तो ये काम करेगा। सामने करता हूँ सिग्नल, देख लीजिए। डब एवरीथिंग, ये सिग्नल जो है वो
हमारा लेंस का है, अगर ये हम सिग्नल देंगे तो लेंस का ही सिग्नल है, अगर हम लेंस करना चाहते हैं या लेंस का टाइम हो गया तो ये सिग्नल देते हैं। ट्रैवल वन ट्रैक, देखिए ये क्रोलर क्रेन में आता है, अगर एक ट्रैक को हमको टर्निंग कराना है, मोड़ना है, तो ये सिग्नल हम देते हैं। सामने करता हूँ, देख लीजिए, ट्रैवल बूथ ट्रैक, यानी कि क्रेन को अपने सामने बुलाना है तो ये सिग्नल हम देते हैं। क्रेन पर चल के देख लेते हैं एक बार, देखिए क्रेन कैसे सामने आकर रुक रहा है, तो ये ट्रैवल का है, क्रेन जो अपने अपने तरफ बुलाना है क्रेन उसका है, और एक ट्रैवल का है, अगर इसका हम सिग्नल देते हैं तो ये रिवर्स जाएगा, बैक जाएगा। इसका सिग्नल देख लीजिए, तो इसमें इस वीडियो में यही आप लोग को समझाने का कोशिश किया कि सिग्नल जो है प्रोफेशनल सही तरीका सा सिग्नल यही है, और आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसा ही अगला वीडियो आप और देख सकें। धन्यवाद।